नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR एजुकेशन में। आज है 22 जुलाई, तो 22 जुलाई की सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना काल में करवाई थी परीक्षाएं, मेरिट लिस्ट नहीं हुई जारी, छात्रों का प्रदर्शन राज छात्रों से बेहतर, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट भी रहा अच्छा। सरकारी स्कूलों के सितारों ने बढ़ाई चमक, इन स्टूडेंटों ने अपने नाम और रोशन किए। खुशी तिवारी 95.20, ममता 93 और यह 97.20। कलावर्ग के परिणामों में जालौर अव्वल रहा, अजमेर 14वें स्थान पर है वो रहा। धौलपुर लगातार दूसरे साल फिर रहा पिछटी, नीचे पर चला गया। 12वीं क्लास में बेटियों ने मारी बाजी, RBSC कुल 90.70% विद्यार्थी उत्तीर्ण, छात्रों का 88.45% रहा। माता पिता करते हैं मजदूरी, बेटा मेहनत से लाए 99.20%। बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन इसको। कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राएं बदल सकेगी माध्यम, अधिक आवेदन होने पर लॉटरी से किया जाएगा चयन। कॉलेज अधिक फीस नहीं वसूलेंगे, आदेश जारी। सरकारी स्कूल के सिद्धांत को मिले 97.40% अंक जी, और जीनत जहां को मिले 96.60, साक्षी को मिले 96.2, यानी ये टॉपर स्टूडेंट है जिनकी लिस्ट यहां पर दी गई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के फिजिकल टेस्ट विवाद, हाईकोर्ट ने डीजीपी से मंगवाया वीडियो। और लिखा है 20,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है वो पेश करें। जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर ईडी की कार्रवाई, पूर्व चेयरमैन मेहता की 13 करोड़ की संपत्ति कुरक। मजदूर के बेटे ने बोर्ड परीक्षा में हासिल किए 99.20% अंक, लोहारवा गांव का छात्र राजस्थान का टॉपर। पदोन्नति को लेकर संयुक्त निदेशक से मिले शारीरिक शिक्षक, छात्रों को पढ़ाया जाएगा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का पाठ। आवेदन पत्र में संशोधन की स्वीकृति क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। प्राध्यापक गणित स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 का परिणाम जारी। कुछ भी हो ये मेरा सपना, इसे करूंगा पूरा, IAS बनने का है लक्ष्य। UGC के दिशा निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, DO के आदेश के बाद भी निजी स्कूल बना रहे हैं अभिभावकों पर फीस का दबाव। केंद्र सरकार ने परीक्षाएं करवाई तो होगा उग्र आंदोलन, कम होना ही चाहिए पढ़ाई का बोझ। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, पर नहीं दे रहे शिक्षकों को बकाया वेतन, प्रदेश में कई बीएड कॉलेजों की मनमानी। वॉल्व लगे N95 मास्क कोरोना रोकने में नाकाम, गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल को मिला कारण बताओ नोटिस। देश में रहेंगे सिर्फ 5 सरकारी बैंक, बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में सरकार। ईट लेवल परीक्षा में BSTC को शामिल करने की मांग। मास्टर डाटा की शुद्धता एवं जांच कर HOD से अधिकृत करवाएं, नगर निकाय चुनाव 31 दिसंबर तक। यहाँ पर कुछ वैकेंसियाँ हैं जो पद खाली है वो दिए गए। केंद्रीय विद्यालय, पहली कक्षा में ऑनलाइन दाखिले की दौड़ शुरू, आधे से ज़्यादा पद खाली, फिर भी चल रही आंगनबाड़ी। राजनीति शिक्षा का स्वरूप और सवाल, अभिभावक से पूछा कब व कैसे खोले जाएं स्कूल, मानव संसाधन मंत्रालय ने मांगे सुझाव। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विशेष योजना, 3500 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी रीट शिक्षक भर्ती के लिए। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका, सरकार ने शुरू की अंग्रेजी मीडियम स्कूलें, कमजोर वर्ग के सपने होंगे साकार। DU ECT कोटे के दाखिले में सर्टिफिकेट के होंगे 100 अंक। DU के पाठ्यक्रम में भी कटौती संभव। अब मनोदर्पण से दूर होगा छात्रों शिक्षकों अभिभावकों का तनाव।
अंडर ग्रेजुएट 70 नवंबर और पोस्ट ग्रेजुएट दिसंबर में होगा शुरू। राजस्थान स्टेट ओपन परीक्षा के आवेदन शुरू। राजस्थान बोर्ड 12वीं क्लास संकाय का परिणाम सिरोही जिला रहा 10वें स्थान पर। छात्रों की काउंसलिंग के लिए मनोदर्पण लॉन्च। जालौर 12वीं कला वर्ग परिणाम में रहा राजस्थान में प्रथम। शिक्षा में पिछड़ेपन के कलंक को तोड़ डाला। गार्गी पुरस्कार से वंचित बालिकाओं के प्रार्थना पत्र आमंत्रित। हाईकोर्ट में लोक कलर्क ट्रेनी के पदों पर मौका है। वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के पद भी रिक्त बताए गए। 11 पद रिक्त आवेदन कर सकते हो। सेना भर्ती रैली के ऑनलाइन आवेदन है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जबलपुर के लिए सेना अधिकारी बनने का भी मौका है। आयु 45 में एसएससी ऑफिसर के लिए। ये मेडिकल के लिए कुछ पद खाली हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर सहित यहाँ पर कुछ पद खाली हैं। आज के समाचार यहीं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें सभी स्टूडेंट्स। धन्यवाद।